हेलो बच्चों, नीट 2024 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर, चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। देखिए, ब्रिज बैलेंस का मतलब हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि इधर का जो रेशियो होगा ना, वो इधर के बराबर होना चाहिए। ओके, तो इधर का रेशियो कितना आएगा, 10/10, 1/1 हुआ, तो इधर में भी रेशियो बराबर होना चाहिए। ओके, तो इधर भी देखिए, इधर में 15 है और इधर में 5 है। ओके, तो रेशियो कैसे हम चेक करेंगे, 15 और 5 हो गया है तो यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, और डायोड इसका मतलब यहाँ लगा हुआ है, दैट मीन्स कि हमें तो यहाँ पर रेशियो कितना चाहिए, हमें 1/1 चाहिए, बट एट प्रेजेंट क्या दिख रहा है, 15/5 प्लस डायोड का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब डायोड का रेजिस्टेंस कितना लेना चाहिए कि रेशियो 1 आ जाए, तो सबसे पहले चेक कीजिए कि डायोड किस में है, रिवर्स में है कि फॉरवर्ड में है। तो देखिए, डायोड में क्या होता है कि जैसे डायोड का सिंबल ये है, है ना, तो इसको बोलते हैं पी टाइप, और ये जो होता है लाइन, ये एन टाइप होता है। तो पी टाइप अगर पॉजिटिव पे है और एन टाइप नेगेटिव पे है, तो हम लोग बोलेंगे इसको फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, तो देखते हैं, बैटरी का नेगेटिव कहाँ से कनेक्टेड है, इस वाले एंड से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये वाला जो एन टाइप है वो नेगेटिव से है, तो अगर एन टाइप नेगेटिव से है डायोड का, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग। तो पहला चीज़ कि ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। ठीक है, दूसरी बात कि अब ये सीरीज़ में दिख रहा है अपने को, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में है। तो अब अगर मान लीजिए मैं डायोड का रेजिस्टेंस 10 ले लेता हूँ, तो 10+5 कितना होगा, 15, तो 15/15 कितना हो जाएगा, 1, तो ये तो बैलेंस हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अभी तक ऑप्शन नंबर 1 मुझे सही दिख रहा है। ओके, अब अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 पे आऊँ, तो देखिए सबसे पहली बात कि ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, और ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, तो पी टाइप तो किससे हो गया, नेगेटिव से हो गया। तो अगर पी टाइप नेगेटिव से हो गया, फिर तो ये रिवर्स बायसिंग हो जाएगा, तो फिर तो ये डायोड काम नहीं करेगा। तो डायोड काम नहीं करेगा तो ब्रिज बैलेंस होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि इसमें करंट ही नहीं जाएगा। जब इसमें करंट नहीं जाएगा तो ये ब्रिज बैलेंस नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 रिजेक्ट हो गया। अब अगर यहाँ पर देखें तो ये नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये जो एन टाइप है वो नेगेटिव हो जाएगा और पी टाइप पॉजिटिव, मतलब ये है तो फॉरवर्ड बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग में है। ठीक है, अब बट ये क्या है कि ये पैरेलल टू दिस रेजिस्टेंस है। तो मान लीजिए अगर आप डायोड का रेजिस्टेंस कुछ भी लेते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप जैसे मान लीजिए 2 ओम और 6 ओम लेते हैं ना, तो देखिए इनका रेजिस्टेंस कितना आएगा। मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी एक आपको समझाऊंगा इसके बारे में। तो 12/8 दैट इज़ 3/2, मतलब 1.5, जो कि 2 से भी लेस है। मतलब पैरेलल में क्या होता है ना कि अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, R1 R2, और अगर R1 का वैल्यू कम है R2 से, ठीक है, तो उस केस में जो इक्विवेलेंट आता है वो R1 से भी छोटा होगा, R2 से भी छोटा होगा, और R1 के हाफ से ज़्यादा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि आप डायोड का यहाँ पर कुछ भी रेजिस्टेंस लीजिए, चाहे आप 100 लीजिए, चाहे 1000 लीजिए, चाहे 10 लीजिए, चाहे कुछ भी लीजिए, वो ऑलवेज क्या आएगा, इस पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट आएगा वो लेस देन 5 आएगा। तो जब लेस देन 5 हो जाएगा, ठीक है, तो रेशियो 1 कैसे मिलेगा, नहीं मिल सकता। तो यहाँ तो रेशियो 1 है, इसका मतलब ये भी ब्रिज बैलेंस पे काम नहीं करेगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन नंबर 4 पे आए, तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये एन टाइप है पहले और फिर पी टाइप है। तो अगर एन टाइप पॉजिटिव हो जाएगा, फिर तो रिवर्स बायसिंग हो जाएगा, और अगर रिवर्स बायसिंग हो गया तो फिर ये वायर काम ही नहीं करेगा, तो वायर में करंट नहीं जाएगा, तो फिर ये भी ब्रिज बैलेंस नहीं हुआ। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हुआ बच्चों, वो है ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ राइट आंसर।